सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोमेट्रम चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले प्राप्त करने के लिए। महाशिवरात्रि को रात में गलती से भी न करें ये नौ काम, वरना हो सकता है भारी नुकसान। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो मित्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों महाशिवरात्रि का पर्व भगवान भोलेनाथ की पूजा साधना और आराधना का पर्व होता है, क्योंकि समस्त देवी देवताओं में यदि सबसे जल्दी कोई देवता प्रसन्न होते हैं तो वो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं, और यदि सबसे जल्दी कोई देवता क्रोधित होते हैं तो वो भी भगवान भोलेनाथ ही होते हैं। इसलिए भगवान भोलेनाथ की पूजा करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। शिव पुराण के अनुसार कुछ ऐसे काम बताए गए हैं जिन्हें करने पर भगवान शंकर जी क्रोधित हो सकते हैं और शिव जी के क्रोध के कारण व्यक्ति को बुरे समय का सामना करना पड़ सकता है। तो हम आपको आज कुछ ऐसे ही नौ काम बताने जा रहे हैं जिनको आप महाशिवरात्रि की रात को गलती से भी मत कर लेना। तो आप अभी से इनको देख लीजिए, ध्यान रख लीजिए और पूरे पूरे कामों को याद रखिएगा। तो मित्रों हमारे इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको यह पता लग सकेगा कि कौन कौन से वो महत्वपूर्ण नौ कार्य है जो भक्त लोगों को महाशिवरात्रि के दिन नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हम आपको महाशिवरात्रि की थोड़ी सी संक्षिप्त विधि बता दें, उसके बाद आपको महाशिवरात्रि के दिन कौन से नौ काम नहीं करना है वो भी हम आपको बताएंगे। महाशिवरात्रि का दिन भक्तों को पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा करने के लिए भगवान भोलेनाथ ने निर्धारित किया है। महाशिवरात्रि को भगवान शंकर पृथ्वी पर उन जगहों पर आते हैं जहां जहां उनके शिवलिंग स्थापित होते हैं। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि में भगवान भोलेनाथ का यह महापर्व महाशिवरात्रि मनाया जाता है। कुछ पंचांगों में 13 फरवरी के दिन महाशिवरात्रि बताई गई है, वहीं कुछ पंचांगों में 14 फरवरी भी बताई गई है। दोनों दिन श्रेष्ठ है, चूंकि 14 फरवरी के दिन विशेष रूप से रात्रि में चतुर्दशी तिथि रहेगी, इसलिए 14 फरवरी के दिन महाशिवरात्रि का पूजन अभिषेक करना श्रेष्ठ रहेगा। वैसे कुछ मतों से 13 फरवरी को भी महाशिवरात्रि का पर्व मनाना उपयुक्त रहेगा। महाशिवरात्रि के विषय में शिव पुराण में लिखा हुआ है कि माता पार्वती और भगवान शंकर जी का विवाह शिवरात्रि के दिन हुआ था, इसलिए महाशिवरात्रि का महापर्व मनाया जाता है। जबकि कुछ मत ऐसा भी है कि समुद्र मंथन से जो कालकूट नाम का विष निकला था उसको भगवान भोलेनाथ ने महाशिवरात्रि के दिन ही पिया था और भगवान भोलेनाथ का नाम उसी दिन से नीलकंठ प्रसिद्ध हुआ था। इसलिए महाशिवरात्रि के पर्व को विशेष रूप से महारात्रि के रूप में माना जाता है। उस दिन जब हम श्रद्धा भक्ति और भावना के साथ भगवान शिव का पूजन करते हैं तो हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और हमारे पुण्यों का उदय होता है। तो विधिवत यदि हम महादेव की पूजा करते हैं तो निश्चित तौर से हमें जो है प्रभु भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। भगवान भोलेनाथ वैसे तो सभी भक्तों को क्षमा करने वाले हैं, लेकिन हम आज आपको कुछ ऐसे ही नौ कार्य बताने जा रहे हैं जिनको आपको महाशिवरात्रि को नहीं करना है। महाशिवरात्रि की रात में 4 प्रहर की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है, दूध जल गंगा जल से भगवान का पूजन किया जाता है और बेलपत्र आग धतूरा पुष्प चावल आदि से भगवान शिव जी का विशेष पूजन अर्चन किया जाता है। रुद्राभिषेक किया जाता है, हवन किया जाता है, महामृत्युंजय का जाप किया जाता है, क्योंकि यह रात्रि महारात्रि कही जाती है और इस रात्रि में जब भी हम किसी प्रकार का भगवान शिव से संबंधित पूजन पाठ
या विशेष अनुष्ठान करते हैं तो हमें अत्यधिक पुण्यों की प्राप्ति होती है और भगवान भोलेनाथ की कृपा और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो हम आपको 9 ऐसे कुछ काम बताने जा रहे हैं जिनको आप गलती से भी महाशिवरात्रि की रात में बिल्कुल मत करना। सबसे पहला काम है, आपको इन लोगों का अपमान आपको नहीं करना है। ध्यान रखे, किसी बुजुर्ग व्यक्ति, गुरु, भाई, बहन, जीवन साथी, माता पिता, मित्र और ज्ञानी और ब्राह्मण, इन लोगों का गलती से भी अपमान न करें। वैसे तो किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए, लेकिन शिवरात्रि पर इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, अन्यथा शिव जी ऐसे लोगों से प्रसन्न नहीं होते हैं जो यहां बताए गए लोगों का अपमान करते हैं। दूसरा काम है, बुरे विचारों से बचे। शिव जी को यदि आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो शिवरात्रि को किसी भी प्रकार के बुरे विचार आपके मन में नहीं आना चाहिए। बुरे विचार जैसे दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए योजना बनाना, अधार्मिक काम के लिए सोचना, अर्थात किसी पाप करने के बारे में सोचना, स्त्रियों के लिए गलत सोचना, इस प्रकार के विचारों से बचना चाहिए, वरना शिव पूजा में मन नहीं लग पाएगा। शास्त्रों में स्त्रियों के लिए गलत बातें सोचना महापाप बताया गया है। और तीसरा काम है, शिवलिंग पर हल्दी बिल्कुल न चढ़ाएं। शिव पूजा में ध्यान रखें कि शिवलिंग पर हल्दी न चढ़ाएं, हल्दी जलाधारी पर चढ़ना चाहिए, क्योंकि जलाधारी माता पार्वती का स्वरूप होती है और शिवलिंग भोलेनाथ का स्वरूप होता है। हल्दी स्त्रियों की वस्तु है और शिवलिंग पुरुष तत्व से संबंधित है और यह शिव का प्रतीक है। इस कारण शिवलिंग पर नहीं बल्कि जलाधारी पर हल्दी चढ़ाना चाहिए। जलाधारी स्त्री तत्व से संबंधित है और यह माता पार्वती का प्रतीक है। इस कारण शिवलिंग पर नहीं बल्कि जलाधारी के ऊपर हल्दी चढ़ाना चाहिए। चौथा काम है, सुबह देर तक नहीं सोना चाहिए। शिवरात्रि को जल्दी उठना चाहिए। पूजा के लिए सुबह सुबह का समय सबसे अच्छा माना जाता है और शिवरात्रि को प्रातः से लेकर के देर रात तक जो है भगवान शिव का ध्यान हमको करना चाहिए। इस कारण आप सभी शिव जी की कृपा पाना चाहते हैं तो सुबह जल्दी उठ करके स्नान आदि कार्य कर ले और भगवान का स्मरण करें। अगर देर तक सोते रहेंगे तो इससे आलस्य बढ़ेगा। सुबह जल्दी उठने से वातावरण से स्वास्थ्य लाभ भी मिलता है। सुबह के समय मन शांत रहता है, इस वजह से पूजा पूरी एकाग्रता से हो पाती है। एकाग्रता से की गई पूजा बहुत जल्दी शुभ फल प्रदान करती है। पांचवा कार्य है, शिवरात्रि को मांसाहार नहीं खाना चाहिए। मांसाहार यानी नॉनवेज नहीं बनाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। नॉनवेज खाना तैयार करने के लिए जीव हत्या की जाती है और जीव हत्या महापाप है। मांसाहार को छोड़ करके इस पाप से हमें बचना चाहिए। यदि इस दिन कोई भी मांसाहार ग्रहण करता है तो भगवान शिव उसके ऊपर अत्यधिक क्रोधित हो सकते हैं। और छठा काम है, उस दिन क्रोध न करें। क्रोध से मन की एकाग्रता और सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो जाती है। इस आवेश में लिए गए फैसले अधिकतम नुकसानदायक ही होते हैं। ये एक बुराई है और इससे बचना चाहिए। शिव जी की कृपा पाने के लिए खुद को शांत रखना बहुत जरूरी है। क्रोध से मन अशांत हो जाता है और ऐसे में यदि हम पूजा करेंगे तो हमारी पूजा भगवान तक नहीं पहुंच पाएगी। और सातवां काम है, पति पत्नी रखे ये बातें विशेष रूप से ध्यान। अधिकतर परिवारों में पति पत्नी के बीच में वाद विवाद होता है, छोटी छोटी लड़ाइयां अक्सर होती है। यह आम बात है, लेकिन जब छोटी छोटी बातें बड़ी हो जाती है तो पूरा घर अशांत हो जाता है। और शिवरात्रि पर इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कि घर में क्लेश न हो। जिन घरों में क्लेश होता है, कलह होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, अशांति रहती है, वहां देवी देवता निवास नहीं करते हैं। घर में प्रेम बनाए रखे, एक दूसरे की गलतियों को भूल कर भी जो है आगे न बढ़े। घर में शांति रहेगी तो जीवन सुखद रहेगा और वहां पर ईश्वर का वास बना रहेगा। साथ ही साथ पति पत्नी को शिवरात्रि के दिन ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना चाहिए, अर्थात संयमित जीवन उस दिन व्यतीत करना चाहिए। और आठवां काम है, अनैतिक संबंधों से बचना चाहिए।
शिवरात्रि के दिन ध्यान रखे कि पराए पुरुष या पराई स्त्री से शारीरिक संबंध बनाना या संबंध बनाने के बारे में सोचना भी पाप है। जीवन साथी के प्रति ईमानदार रहे, वफादार रहे और अनैतिक संबंधों से बचे, अन्यथा किसी भी प्रकार की पूजा से ये पाप नष्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि यदि हम पर्व काल में कोई भी पाप करेंगे तो वो पत्थर के समान हो जाएंगे और अन्य समय में जो पाप किए जाते हैं वो पर्व काल में नष्ट हो जाते हैं। लेकिन पर्व काल में यदि हमारे द्वारा किसी भी प्रकार का कोई पाप हो गया हो तो पत्थर के समान हो जाएगा, वो फिर कदापि नष्ट नहीं होगा। इसलिए आप पर्व काल में तो कोई भी पाप बिल्कुल ना करें। और नौवां कार्य है, पूजा में इन धातुओं का उपयोग न करें। भगवान शंकर जी की पूजा में सोने, चांदी, पीतल, कांसे, तांबे या अष्ट धातु के बर्तनों का उपयोग करना चाहिए। ध्यान रखें कि शिवरात्रि के दिन आपको लोहे, स्टील या एल्यूमिनियम के बर्तन पूजा में उपयोग नहीं करें। ये धातुएं शिव जी की पूजा में वर्जित की गई है। तो मित्रों, हमने आपको शिवरात्रि के दिन कौन कौन से नौ काम नहीं करना है ये आपको बताया। हमें उम्मीद है आप हमारी इस जानकारी को अपने जीवन में जरूर ग्रहण करेंगे और इन नौ कामों को करने से बचेंगे। मित्रों, हमारे इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। यदि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करेंगे तो हो सकता किसी न किसी का जीवन बदल जाए, किसी न किसी को ये जानकारी जो है अपने जीवन में महत्वपूर्ण लगे और उसके जीवन का जो है प्रगति हो, उसके जीवन की उन्नति हो और उसके जीवन की सारी बुराइयां समाप्त हो जाए। आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।